मैयर नया जिला बन गया है, उसके बाद भाजपा ने भी यहाँ अपने जिला अध्यक्ष कमलेश सुहानी को बनाया है। अध्यक्ष बनने के बाद सुहानी ने कहा 22 जनवरी को सभी मंदिरों में विभिन्न आयोजन कर दीप जलाए जाएंगे, हर घर में 11 दीपक जलाकर दीपावली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। मैयर में भारतीय जनता पार्टी ने नया जिला अध्यक्ष कमलेश सुहानी को बनाया है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद कमलेश सुहानी ने अमरपाटन में पूर्व राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल से मुलाकात की। कमलेश सुहानी का सतना चौराहे पर भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आसपास के सभी मंदिरों में अब सुंदरकांड व रामचरितमानस के पाठ को लगातार किया जाएगा और 22 जनवरी को सभी मंदिरों में दीप जलाएंगे, हर घर में 10 दीपक जलाकर दिवाली जैसा उत्सव मनाया जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। हमारा मैयर जिला भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक बहुत ही मजबूत जिला था, है और रहेगा। हम हमारे काम को बूथ तक ले जाकर केंद्र में फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक मतों के अंतर से जीतेंगे, ऐसी हम सब योजना बना। एक संदेश और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आगामी 22 जनवरी को हमारे हिंदुस्तानी ने विश्व के लोगों की जिनके प्रति आस्था है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक दिवस विश्व की पटल पर अमर और अजर हो जाएगा और जैसा कि अयोध्या में भव्यता के साथ राम मंदिर में रामलला के विराजमान का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसी तरीके से मैयर जिले के प्रत्येक मंदिर में हम राम का भजन करके, सुंदरकांड का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके एक एक मंदिर में दिवाली मनाएंगे और उसके बाद मैयर जिला के प्रत्येक घर में हम लोग 11 दीपक जलाकर और दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मनोत्साह और मनोयोग के साथ लगा हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।